हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन वर्मा है और आज मैं आपको पेंसिल शेडिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। हम सभी लोगों को ड्राइंग का बहुत शौक होता है, बचपन से ही होता है, लेकिन उस शौक को डेवलप करते करते हमें उसकी कितनी नॉलेज होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आज मैं आपको पेंसिल शेडिंग की कुछ टेक्निक्स, पेंसिल के ग्रेड और उनसे रिलेटेड कुछ और डाउट्स जो आपके क्लियर करने वाला हूँ। सो अभी जो आप देख रहे हैं वो है डॉम्स की ड्राइंग पेंसिल का सेट। इसमें मेंशन है HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B और इस पैकेट में एक इरेजर साथ में है, फ्री है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से कुछ पेंसिल्स देखे हैं, जैसे कि एक नटराज की आती है HB पेंसिल, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेड नटराज HB। सो ये जो HB है, इस HB का मतलब क्या होता है, या फिर किसी भी शेडिंग पेंसिल पर 2B, 4B, 6B, 8B, 10B मेंशन क्यों होता है, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो HB का मतलब होता है हार्ड एंड ब्लैक, HB का मतलब होता है हार्ड एंड ब्लैक। पेंसिल में अगर HB लिखा हुआ है दैट मीन्स वो हार्ड भी है और ब्लैक भी है। ब्लैक से मतलब होता है जो उसका ग्रेफाइट होता है, दिस थिंग, ये कितना डार्क है, और अगर उसमें हार्डनेस आ रही है तो उसकी ब्लैकनेस में जो सॉफ्टनेस होती है वो कम हो जाती है। हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी ब्लैकनेस उतनी ही कम हो जाएगी, ग्रेफाइट हार्ड हो जाता है, और ग्रेफाइट जितना सॉफ्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा ब्लैक रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। HB का मतलब हुआ हार्ड एंड ब्लैक, 2B का मतलब हुआ ट्वाइस ब्लैक, 3B थ्री टाइम्स मोर ब्लैकर, 4B 4 टाइम्स मोर ब्लैकर, 6B 6 टाइम्स ब्लैकर, 8B 8 टाइम्स मोर ब्लैकर, 10B 10 टाइम्स ब्लैकर। तो ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने ये पैकेट डोम्स का ओपन करा है और इसमें हम देख सकते हैं ये अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल लगी हुई है। देखिए सबसे नीचे HB, देन 2B, उसके बाद आती है 4B, फिर आती है 6B, उसके बाद 8B, देन लास्ट में है ये 10B। तो ये सभी पेंसिल डॉम्स की हैं। अब इन पेंसिल की ग्रेफाइट देखिए, ये देखिए ये 10B का ग्रेफाइट है, कितना ज़्यादा ब्लैक है। 8B, 6B, 4B, 2B, 3HB, HB का ग्रेफाइट देखिए। सो ये डिफरेंस पता होने ज़रूरी है, कोई भी पेंसिल शेडिंग का काम शुरू करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब हम इन सभी पेंसिल्स के ग्रेडियंट इफेक्ट निकालेंगे, लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क टोन। पेंसिल शेडिंग में 3 इफेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, लाइट टोन, मिडल टोन एंड डार्क टोन। सो अभी हम ये तीनों टोन निकालेंगे, पहले सिर्फ HB पेंसिल से। ये हमने स्टार्ट करा, ये कहलाती है अंडरपम्प टेक्निक। पेंसिल को हाथों के नीचे ऐसे रखकर और यहाँ प्रेशर कम रखना है अभी, अगर आपको लाइट टोन बनानी है। ये बन गई आपकी लाइट टोन। अब इसी HB पेंसिल से मैं बनाऊंगा मिडल टोन। अब हम यहां पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा कर देंगे, अब हम इसके बाद बनाएंगे डार्क टोन। अब हम यहां पर प्रेशर और ज्यादा लगा देंगे, देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है लाइट टोन में
सॉफ्टनेस है लेकिन ज्यादा नहीं है, मिडल टोन में डार्कनेस तो आ रही है लेकिन पेंसिल के स्ट्रोक्स भी आने लगे हैं, हार्डनेस है क्योंकि, और डार्कर टोन में डार्कनेस के साथ साथ पेंसिल की ग्रेफाइट के स्ट्रोक्स भी विजिबल हैं, क्योंकि पेंसिल हार्ड है इसीलिए ये स्ट्रोक्स विजिबल हैं हमें। अब मैं आपको दूसरी पेंसिल से दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डोम्स की HB पेंसिल। ये डोम्स की है HB, ये देखिए ग्रेड अंडरपम्प टेक्निक, ये चल रही है हमारी लाइट टोन, मिडल टोन, एंड दिस इज डार्कर टोन। जैसे कि आपको डिफरेंस विजिबल है डोम्स की पेंसिल और अभी जो मैंने पेंसिल यूज करी थी नटराज की, नटराज वर्सेस डोम्स, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो हमें मिला है वो डोम्स का मिला है। अब डोम्स की हम दूसरी पेंसिल यूज करेंगे विच इज 2B। हमें अलग अलग पेंसिल्स को यूज करना है, एंड वन मोर थिंग, हम इनके आगे लिखते रहेंगे साथ साथ, दिस इज डोम्स HB, ताकि हमें ध्यान रहे हम कौन सी पेंसिल से काम कर रहे हैं और किस पेंसिल का रिजल्ट कैसा आया। नटराज HB। अब हम चलते हैं डोम्स की 2B पेंसिल। लाइट टोन, मिडल टोन और ये डार्क टोन। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया। हम यहां पे लिख देते हैं अगेन डोम्स 2B। इसके बाद हम कर रहे हैं डोम्स की 4B पेंसिल। अंडरपम्प टेक्निक में ही काम करेंगे, प्रेशर हल्का रखते हुए, लाइटर टोन, देन मिडल टोन, प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देंगे, अब डार्कर टोन। ये भी डोम्स की 4B पेंसिल। इसके बाद हम काम करेंगे डोम्स की 6B पेंसिल से। अंडरपम्प टेक्निक, देखिए इसका ग्रेफाइट बाकी पेंसिल्स के कंपैरिजन अलग है। अंडरपम्प टेक्निक, लाइट टोन, इसकी लाइट टोन ही बाकी की मिडिल टोन के बराबर है, देन मिडिल टोन एंड डार्कर टोन। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया डोम्स पेंसिल का। सो ये है डोम्स की 6B जो कि मुझे अभी तक सबसे ज्यादा पसंद आई है। इसके बाद हम चलते हैं यहां पर एक पार्टीशन कर लेते हैं, तो हम यूज कर रहे हैं डोम्स की 8B पेंसिल। तो ग्रेफाइट देखिए पहले से चेंज होता जा रहा है, थिक हो गया है और सॉफ्ट हो गया है,
जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा हार्ड जो ब्लैकनेस है पेंसिल की वो बढ़ जाती है। लाइट टोन पेंसिल पे प्रेशर हल्का रखेंगे, देन मिडिल टोन, देन इट्स डार्कर टोन। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया इसका। सो ये आया हमारा टोन्स का 10B पेंसिल। राइट, अब मैं आपको 8B का डिफरेंस और दिखा दूं। ये लाइट टोन, देन मिडिल टोन। पेंसिल शेडिंग को ध्यान रखिएगा, बस जब भी आप यूज करना है पेंसिल शेडिंग तो आप अंडरबाउंड टेक्निक यूज करेंगे डार्कर टोन। अगेन डोम्स, दिस इज 8B। तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो आया देखिए वो तो मुझे लगा है 10B का और 8B का। राइट नाउ इन्हीं के साथ अब मैं आपको एक ग्रेडियंट इफेक्ट भी दिखाना चाहूंगा। ये तो हमने करी थी अभी अलग अलग सेपरेटली शेडिंग। शेडिंग दो टाइप से की जाती है। अब नॉर्मली हमने जो आज तक शेडिंग सीखी है वो यही सीखी है बस कि हमने लेयर और एक दूसरे पे मर्ज कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने ये लाइट टोन बनाई, देन उसके साथ में मिडिल टोन और फिर हार्डनेस दिखाते हुए डार्क टोन। दिस इज रॉन्ग। सही टेक्निक क्या होती है, जब आप ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो लाइट टोन निकालते हुए उसी में ही आपको मिडिल टोन क्रिएट करनी है मर्ज करते हुए, एंड देन आपको शिफ्ट हो जाना है डार्कर टोन में। सो लाइट से मिडल में कब आ जाते हैं, मिडल से डार्क में कब आ जाए पता ही नहीं चलना चाहिए। सो दिस इज राइट। तो ये वाला प्रोसेस जो है हमारा जिसमें हम LT यानी कि लाइट टोन से MT मिडल टोन और मिडल टोन से DT डार्क टोन, इन तीनों में एंट्री कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। सो ये होता है हमारा शेडिंग का सही तरीका। राइट, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो ये मैंने समझाया है ये आपको कितना समझ आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। मैं चाहता हूँ मेरी ये जो नॉलेज है सब लोगों तक पहुँचे और जितना ज्ञान मुझे है वो ज्ञान सभी बच्चों तक पहुँच सके, सभी लोगों तक पहुँच सके जो आर्ट से जुड़े हुए हैं। थैंक यू।